दोस्तों, जिंदगी एक सफर है। इस सफर में आपको स्वागत है। मेरा सफर वही मेरा घर है। मेरे इस सफर में आप मेरे साथ हो। आपके बिना ये सफर अधूरा है। तो दोस्तों, ऐसे ही बने रहें मेरे साथ। गुवाहाटी आ गया। बस फिर बाहर से अभी थोड़ा सा अभी रेसा है, ठीक है। बाथरूम इधर है, इधर इधर बंद नहीं है, है? यहाँ पे रुकने वाला हूँ बस। अभी आज के दिन, कल का दिन, कल शाम को इवनिंग टाइम फिर ट्रेन है वापस लखीमपुर से। अभी हम लोग अभी जस्ट पहुँचा हूँ। बारिश है, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रहा है गुवाहाटी में भी। इसके वजह से हम लोग थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी ढूंढता हूँ ये बाथरूम घर में रहा। ये बाथरूम उधर है, उधर ये है। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ ना। ये है वो, इसे इजली जलक हो रहा है। यार बहुत हालत ख़राब हो गया। ट्रेन में जाने के लिए भी बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इतना छोटा सा साबुन मेडिमिक्स 3 रुपये वाला साबुन आज बहुत दिनों के बाद दिख रहा है, ठीक है। जियो वाई फाई भी तो ये है दोस्तों। और आजू बाजू का नज़ारा ये है, ये ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, फ्रेश होने के बाद और फिर से आगे का जो कार्यक्रम है वो आगे बढ़ाता हूँ आगे एक्टिविटी से। A few moments later, एक्चुअली ये ग्राफिक्स कार्ड है, ये एक्चुअली वीडियो ग्राफिक्स कार्ड है। ये मेरा ख़राब हो गया लगता है, उसके वजह से मुझे इधर आना पड़ा। तो ये ठीक करवाने के लिए मुझे गुवाहाटी आना पड़ा। वो दुकान का एड्रेस ही मतलब कौन सा फ्लोर में था भूल गया मैं। अभी पता चला कि फ़ोन किया तो नीचे का, मतलब ग्राउंड फ्लोर में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि वो नहीं है अभी। आई थिंक खाना खाने के लिए, लंच ब्रेक के लिए गया होगा। तो मुझे फर्स्ट फ्लोर में आना पड़ेगा अभी। बस आई थिंक ये फर्स्ट फ्लोर है, हाँ ये फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर मुझे याद है, हाँ यही था।
ऐसा है अंधेरा गुफा, ये शौक ये था बंद है। अभी गीगाबाइट क्या देखो, गीगाबाइट खाना खाने के लिए बाहर गया लगता है, तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, ठीक है। ये वीडियो एडिटिंग के लिए मतलब बहुत, ये 16 GB का है, अगर ये ख़राब हो गया ना तो मतलब मेरा लगभग ये कितना 40,000 के आसपास लगेगा अभी सिर्फ इसका दाम अभी फ़िलहाल। तो मतलब ये अगर ख़राब हो गया, ठीक नहीं हुआ, तो मेरा मतलब बहुत बड़ी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से क्या होता है इसको दिखा के देखता हूँ। चलो आज का व्लॉग मैंने पूरी तरह से दिखा नहीं पाया हूँ, क्योंकि उधर इधर का भीड़ भाड़, फिर मतलब अलग अलग कामों से इतना, फिर उसकी वजह से मैंने ये व्लॉग ज़्यादा किया ही नहीं। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैंने गुवाहाटी आने का वजह मेरा क्या था, मेरा सिस्टम का यानी कि कंप्यूटर का वीडियोग्राफिक्स ख़राब हो गया, वो ग्राफिक्स आप लोगों ने देखा होगा। ख़राब होने की वजह से मैं गीगाबाइट जो प्राइस सर्विस सेंटर है यहाँ दिखाने लाया था, लेकिन शायद वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्विस सेंटर बोला कि नहीं वो कुछ मतलब वो तो ग्राफिक्स कार्ड को देख के ऐसा लगा कि कुछ ऑक्सीडाइड हो गया वगैरह, ऐसा कुछ जल गया इस टाइप का हो गया होगा। लेकिन तो भी मैंने देखे आया हूँ, अभी गुवाहाटी से कोलकाता भेजेगा, क्योंकि कोलकाता से ही वो रिपोर्ट आएगा 4 दिन के बाद, मतलब मिनिमम 4 दिन या 5 दिन उसके बाद आएगा ये ठीक हो पाएगा कि नहीं। तो अगर मुझे नया ख़रीदना हो तो फिर कम से कम 45,000 लगेगा, और 16 GB दूसरा कुछ जोनेट ऐसा कुछ अलग अलग कंपनी में तो बता रहा है कि 63,000, मतलब 63,000 बता रहे हैं। तो ग्राफिक्स कार्ड का दाम इतना बढ़ गया ना, मतलब अभी मेरा बजट के बाहर हो गया अभी, इसलिए मैंने बस ये रिसिप्ट लेके आया हूँ। अगर बाय गॉड ग्रेस ठीक हो गया तो ठीक है, 4, 5, 6, 7 हज़ार व्हाटएवर, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर अगर फिर से मुझे वही ग्राफिक्स कार्ड वही मतलब वही कंडीशन में फिर से लाना है या फिर से वीडियो एडिट करना है तो फिर इस तरह करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा टेंशन हो गया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बजट लगेगा। तो भी लेट्स सी, देखता हूँ अगर 4-5 दिन के बाद पॉजिटिव आ गया उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या पड़ेगा जो भी है व्हाटएवर, तो ठीक है, अदरवाइज क्या कर सकता हूँ, कैसे भी करके तो एक नया लेना ही है, वही देखते हैं। तो दोस्तों यार मेरा ब्लॉग ज़्यादा कुछ भी नहीं है, अभी मैं वो होटल में फिर से आ गया हूँ, बस इधर ही अभी मैं थोड़ा रेस्ट लेने वाला, क्या रात भर सोया नहीं मैं, और सुबह आके फिर फ्रेश फ्रेश होके मतलब निकल गया हूँ, तो इधर इधर डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से बात किया हूँ कहाँ कम मिल सकता है, क्योंकि वो ठीक होना मतलब 95% अभी आशा नहीं है, 5% है चांसेस है शायद ठीक हो सकता है। तो लेट्स सी, 4-5 दिन के बाद फिर नया लेना पड़ेगा मुझे, वही आज का दिन का यही कार्य मतलब मेरा कार्यक्रम यही था, और भी था वो इतना दिखा नहीं पाया, और ब्लॉग के माध्यम से मैं थोड़ा बहुत शॉर्ट में ये ब्लॉग बना के आप लोगों को मैं थोड़ा साझा किया हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा है या यहाँ तक देख ही लिया हो तो फिर नया कोई व्यूअर्स आए हो अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर ज़रूर कर लेना, और जो पुराने सब्सक्राइबर्स है प्लीज़ देख लेना, और हो सके तो लाइक कर देना, हो सके तो थोड़ा एक दो कमेंट भी डाल देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, फिर से मिलता हूँ और एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय। क्या खरीदने आया था ये देखा।
क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? क्या खरीदना है? मांगा फिर गुवाहाटी से लखीमपुर वापस जाना है, उसके बाद हम लोग फिर स्टेशन की तरफ आ गया। फिर से परसों आया था तो फिर इसका आज फिर से निकलना है घर की तरफ। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। स्टेशन में बकरी भी है। बकरी? तो स्टेशन में इंसान के साथ साथ बकरी भी है। गर्मी स्टार्ट हो गया अभी।